थे सम्मान निधि योजना में हमारे किसान भाइयों को, मैं आज उस पर बात करूंगा जिनकी सम्मान निधि नहीं आ रही है। कुछ लोगों के डुप्लीकेट अकाउंट्स थे, तो डुप्लीकेट अकाउंट्स में से उनके डुप्लीकेट वाले अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं, मेन अकाउंट ले लिया गया है और कुछ ही समय में उनकी सम्मान निधि आने लगेगी। आप लोगों ने जो जनपद अमरोहा के विकास खंड में कंट्रोल रूम संचालित है और धनौरा तहसील में कंट्रोल रूम संचालित है, हसनपुर में जो नई तहसील है उसके बगल जो हमारा कृषि का ऑफिस है वहाँ कंट्रोल रूम संचालित है, वहाँ पे अपनी शिकायतें दर्ज करा दी होंगी। अगर कोई ज़रूरत होगी तो आपसे हम लोग संपर्क करके संबंधित प्रपत्र ले लेंगे। और आप लोग अपना EKYC और NPCI जरूर करा लें। EKYC जनसेवा केंद्र पे जाके अंगूठा लगाकर आप अपना EKYC करा सकते हैं, या कृषि विभाग के कर्मचारी से मिलकर आप अपना EKYC करा सकते हैं। NPCI के लिए आपको अपना आधार और बैंक की पासबुक लेके अपने सब बैंक जहाँ खाता है उस बैंक में जाना होगा, उनसे कहना होगा कि मेरा NPCI कर दीजिए, तो वो आपका NPCI करके खाता DBT एनेबल कर देंगे, तो आपको सम्मान निधि आने लगेगी। अगर किसी किसान भाई के खाते में बैंक की संबंधित समस्याओं के कारण सम्मान निधि नहीं आ रही है, तो आप अपना बैंक खाता NPCI करा लें। जैसे ही NPCI कराएंगे तो जिस खाते में आप अपना आधार से NPCI कराएंगे उस खाते में सम्मान निधि आने लगेगी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे यहाँ सभी तहसीलों में, अमरोहा तहसील में जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अमरोहा में ब्लॉक में कंट्रोल रूम संचालित है, हसनपुर में जो नई तहसील है उसके बगल में हमारा कार्यालय है वहाँ कंट्रोल रूम संचालित है, धनौरा में तहसील के बगल में हमारा कृषि संभाग है वहाँ पे कंट्रोल रूम संचालित है, आप वहाँ पर जाकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं या हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।